हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मिक्स वेजिटेबल रायता लेकर आए हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज हम खीरे का रायता बनाएंगे। रायते के लिए हमने दही लिया, दही फिटा हुआ है। इसके रायते के लिए हमें चाहिए काली मिर्च पिसी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक काला और पिसा हुआ भुना हुआ जीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रायता बनाना। स्टार्ट करते हैं, ये लिए खीरा। खीरा को हमने धो लिया है। अब खीरे का कड़वापन निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड, खीरे को इस प्रकार से काट लेंगे। काट के इस तरीके से इसका कड़वापन निकालेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे झाग निकल रहा है इसका कड़वापन देखिए निकल रहा है। इधर से भी काट लेंगे। और इसका कड़वापन निकल गया है। अब हम इसको छीलेंगे नहीं, ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। आज हम मिक्स वेजिटेबल रायता बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम इसे खीरा कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। बीच का ये छोड़ देंगे, किनारे किनारे का कद्दूकस करेंगे। ये बीच का हमने निकाल दिया है, इसको अलग रख देते हैं। अब हम इसको रायते में डाल देते हैं। खीरे को, दही को हमने फेंट लिया है, एकदम फ्रेश है, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही। और अब हम इस गाजर को हमने धो लिया, धो के साफ कर लिया और इसे छील भी लिया, तो इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। गाजर भी डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक पिसा हुआ स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर भुना हुआ, जीरा पाउडर पिसा हुआ, सूखा पुदीना, मिला लेंगे। सेहत और स्वास्थ्य से भरपूर है। फ्रेंड, इसे डेकोरेट करेंगे। खीरा थोड़ा सा कद्दूकस कर देंगे ऊपर से। थोड़ी सी गाजर, कश्मीरी लाल मिर्च,
थोड़ा सा नमक ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड, मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है। खाइए और रायते का मजा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।